नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी कहानियां, नॉवेल्स, स्टोरी ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हैरी पॉटर सीरीज़ का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गायब होने वाला कांच। तो पिछले अध्याय में हमने सुना था कि वोल्डेमॉर्ट द्वारा लिली और जेम्स पॉटर की हत्या के बाद डंबलडोर ने हैरी को उसके प्राइवेट ड्राइव में रह रहे रिश्तेदारों के पास छोड़ने का निश्चय किया और हैरी को उनके घर की सीढ़ियों पर छोड़कर चले गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी स्टोरीज और नॉवेल्स ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहेंगे। अब आगे, जब डर्सली पति पत्नी को उनका भांजा बाहर सीढ़ियों पर मिला था, उस घटना को लगभग 10 साल हो चुके थे, पर प्रिवेट ड्राइव में शायद ही कुछ बदला था। सूरज अभी भी सामने वाले साफ सुथरे बगीचे की तरफ से निकलता था और डर्सली परिवार के दरवाजे पर लगी पीतल की नेम प्लेट पर लिखे 4 नंबर को चमकाता था। इसके बाद यह उनके ड्राइंग रूम घूमने घुसता था, जो लगभग वैसा ही था जैसा उस रात था जब मिस्टर डर्सली ने उल्लुओं के बारे में अनोखी खबर सुनी थी। केवल मेटल पीस पर रखे फोटो ये सचमुच बता रहे थे कि कितना वक्त गुजर चुका था। 10 साल पहले वहाँ पर बड़ी गेंद जैसे एक मोटे गुलाबी बच्चे के बहुत से फोटो थे, जिसने रंग बिरंगी टोपियाँ पहन रखी थी, परंतु डडली छोटा बच्चा नहीं था। अब फोटो बता रहे थे कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है, मेले में झूला झूल रहा है, अपने पिता के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है, उसकी माँ उसे गले लगा रही है और चूम रही है। कमरे में ऐसे कोई निशानी नहीं थी जिससे पता चले कि उस घर में एक और बच्चा भी रहता था, परंतु हैरी पॉटर अब भी वहीं था और इस समय सोया हुआ था। हालांकि वह ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया, उसकी पेटूनिया आंटी जाग गई थी और उनकी तेज़ आवाज़ उस दिन उस घर में गूंजने वाली पहली आवाज़ थी। उठ, जल्दी उठ, सुना कि नहीं, हैरी चौंक कर जागा। उसकी आंटी ने एक बार फिर दरवाज़ा भड़बड़ाया। उठो, वह चीखी। हैरी को उनके कदमों की आवाज़ से समझ आ गया कि किचन की तरफ जा रही है और फिर उसे गैस पर फ्राइंग पैन रखने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेटा और वह सपने को याद करने की कोशिश कर रहा था जो वह उठने से पहले देख रहा था। बड़ा प्यारा सपना था, उसमें मोटरसाइकिल लुट रही थी। उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे वह सपना पहले भी देख चुका है। उसकी आंटी दोबारा उसके दरवाजे पर आ धमक चुकी थी। अभी तक नहीं उठे, उन्होंने चिल्लाकर पूछा। उठ तो गया, हैरी ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी बाहर आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नज़र रखो और ध्यान रखना, जला मत देना। मैं डडली के बर्थडे पर हर चीज़ बढ़िया चाहती हूँ। हैरी के मुंह से आह निकल गई। क्या कहा तुमने, आंटी दरवाजे के बाहर से गुर्राई। कुछ नहीं कुछ नहीं, डडली का बर्थडे, वह कैसे भूल गया था। हैरी धीरे से बिस्तर के बाहर निकला और अपने मोजे ढूंढने लगा जो उसे अपने बिस्तर के नीचे मिले। एक मोजे में मकड़ी थी, उसे निकालने के बाद उसने मोजे पहन लिए। हैरी को मकड़ियों के साथ रहने की आदत थी क्योंकि सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में ढेर सारी मकड़ियाँ थीं और वह यहीं सोता था। जब उसने कपड़े पहन लिए तो वह हॉल से होता हुआ किचन में गया। डडली के बर्थडे के ढेर सारे तोहफों के नीचे टेबल लगभग पूरी तरह छुप गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे डडली को वह नया कंप्यूटर मिल गया था जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसे एक और टेलीविज़न मिल गया था तथा रेसिंग बाइक भी। डडली रेसिंग बाइक क्यों चाहता था, यह हैरी के लिए एक रहस्य था, क्योंकि डडली बहुत मोटा था, एक्सरसाइज से नफरत करता था, जब तक कि इसमें किसी को मुक्का मारना शामिल ना हो। डडली का प्रिय पंचिंग बैग हैरी था, हालांकि वह उसकी पकड़ में बहुत कम आ पाता था। हैरी दिखता नहीं था परंतु वह था बहुत तेज। शायद यह अंधेरी अलमारी में रहने का परिणाम था कि हैरी अपनी उम्र के हिसाब से दुबला और छोटा रह गया, पर वह सचमुच इतना था, उससे भी ज़्यादा दुबला और छोटा दिखता था, क्योंकि उसे हर समय डडली के पुराने कपड़े पहनना पड़ते थे और डडली उससे 4 गुना मोटा था। हैरी का चेहरा दुबला था, घुटने गांठदार, बाल काले और आंखें चमकदार आ रही थी। वह गोल चश्मा पहनता था जिस पर बहुत सा सेलो टेप लगा रहता था, क्योंकि डडली उसकी नाक पर अक्सर मुक्के मारता रहता था। हैरी को अपने शक्ल सूरत में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी, उसके माथे पर बना हुआ पतला निशान, जो ऐसा दिखता था जैसे वहाँ पर बिजली गिरी हो। जब से उसने होश संभाला है तब से ही वह निशान इसके माथे पर है, और उसे याद था कि होश संभालने के बाद उसने पेटूनिया आंटी से पहला सवाल यही पूछा था कि उसके माथे पर यह निशान कैसे बना। उस कार एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारे माता पिता मरे थे, उन्होंने कहा था। और हाँ, सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो, यह डर्सली परिवार में शांतिपूर्ण जीवन का पहला नियम था। जब थैरी नाश्ते को पलट रहा था तो वॉर्नर अंकल किचन में आए। बालों में कंघी करो, मैं भौंके जैसे उन्होंने हैरी से गुड मॉर्निंग की हो। सप्ताह में लगभग एक बार वॉर्नर अंकल अपने अखबार के ऊपर से देखते थे और चिल्लाते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे कटिंग की ज़रूरत है। उसकी क्लास में बाकी बच्चों की जितनी बार कटिंग होती थी उन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो हैरी की कटिंग उनसे ज़्यादा बार होती थी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। जब डडली अपनी माँ के साथ किचन में आया तो हैरी अंडे तल रहा था। डडली काफ़ी कुछ वॉर्नर अंकल जैसा दिख रहा था, बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी गर्दन, छोटी पानीदार नीली आंखें और मोटे सुनहरे बाल जो उसके मोटे सिर पर जमे हुए थे। पेटूनिया आंटी अक्सर कहती थी कि डडली किसी नन्हे देवदूत की तरह दिखता है। हैरी अक्सर कहता था कि डडली किसी सुअर की तरह दिखता है जिसने विग पहन रखी हो। हैरी ने अंडे और नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख दी, जो आसान काम नहीं था।
क्योंकि वहां पर जगह बहुत कम थी। इस बीच डडली अपने तोहफे गिन रहा था, उसका चेहरा उतर गया। 36, उसने अपने मम्मी डैडी की तरफ देखते हुए कहा, यह तो पिछले साल से 2 कम है। राजा बेटा, तुम्हें मार्जा आंटी के तोहफे तो गिने ही नहीं, देखो वह मम्मी डैडी के बड़े तोहफे को नीचे छुपा है। ठीक है, 37 हुए, डडली ने कहा और उसका चेहरा लाल हो रहा था। हैरी को लगा कि डडली का नाटक अब शुरू होने ही वाला है, इसलिए वह नाश्ते को अपने मुंह में जितनी तेज़ी से बढ़ सकता था बढ़ने लगा, क्योंकि डडली टेबल कभी भी पलट सकता था। जाहिर था पेटूनिया आंटी को भी खतरा दिख गया, क्योंकि वह जल्दी से बोली, और हम आज जब बाजार जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 और तोहफे ले आएंगे, ये कैसा रहेगा बेटू? 2 और तोहफे, अब तो ठीक है। डडली ने एक पल सोचा, यह मुश्किल काम था। अंत में धीमे से बोला, मेरे पास 37 और 2 37 और 2 39 मेरे लाडले, पेटूनिया आंटी बोली। ओ, डडली धम से बैठ गया और उसने अपने सबसे पास वाले पैकेट पर झपट्टा मारा। फिर ठीक है, वर्न अंकल धीरे से ऐसे, छोटा बदमाश अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वाह मेरे बेटे, वाह डडली, उन्होंने डडली के बालों पर हाथ फेरा। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी और पेटूनिया आंटी फ़ोन सुनने चली गई, जबकि हैरी और वॉर्नन अंकल इस बीच डडली को तोहफे खोलते हुए देख रहे थे, जिनमें रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज़, 16 नए कंप्यूटर गेम, VCR शामिल था। जब वह एक सुनहरी कलाई घड़ी की पन्नी खोल रहा था, तभी पेटूनिया आंटी फ़ोन सुनकर वापस आई। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। बुरी खबर है वॉर्नन, वह बोली, मिसेस फिक का पैर टूट गया है, वह इसे अपने पास नहीं रख सकती, उन्होंने हैरी की तरफ सिर झटकते हुए कहा। दहशत के मारे डडली का मुंह खुला रह गया, परंतु हैरी का दिल तो बल्लियों उछलने लगा। हर साल डडली के जन्मदिन पर अंकल आंटी डडली और उसके दोस्तों को दिन भर बाहर घुमाने ले जाते थे, यानी एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर बार या फिल्म। हर साल हैरी को मिसेज फिक के साथ रहना पड़ता था, जो कि एक बहुत पागल बुढ़िया थी जो 2 गली छोड़कर रहती थी। हैरी वहाँ जाने से बुरी तरह चिढ़ता था, वहाँ पूरे घर में पत्ता गोभी की बदबू भरी रहती थी और मिसेज फिक उसे ज़बरदस्ती उन सब बिल्लियों के फ़ोटो दिखाती थी जो उन्होंने कभी पाली थी। अब क्या होगा, पेटूनिया आंटी ने कहा। वह हैरी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जैसे उसी ने उसकी योजना बनाई हो। हैरी जानता था कि उसे इस बात पर दुखी होना चाहिए था कि मिसेज फिक की टांग टूट गई, परंतु यह आसान नहीं था, क्योंकि वह यह भी जानता था कि अब उसे एक साल तक टेबल स्नोई, मिस्टर पॉज और टिफ्टी को नहीं देखना पड़ेगा। हम मार्च को फ़ोन कर सकते हैं, वॉर्नन अंकल ने सुझाव दिया। बेवकूफ़ी की बात मत करो वॉर्नन, वो हैरी से नफरत करती है। डर्सली पति पत्नी अक्सर हैरी के बारे में इस तरह से बात करते थे जैसे वह वहाँ हो ही नहीं, या फिर वह कोई बहुत ही कम बुद्धि वाला प्राणी हो जो उनकी बात समझ नहीं सकता हो, जैसे कोई घोंगा। और उसका क्या नाम है, तुम्हारी सहेली? वॉन। मोजार्का में छुट्टियाँ मनाने गई है, पेटूनिया आंटी खींचते हुए बोली। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाएं, हैरी ने बड़ी आशा से कहा। कम से कम आज के दिन तो यह टेलीविज़न पर जो चाहेगा देखेगा और शायद डडली के कंप्यूटर पर गेम भी खेल लेगा। पेटूनिया आंटी को देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी साबुत नींबू निकल गया हो, और वापस लौटकर देखें तो घर तबाह हो चुका हो। वे गुर्राई। मैं घर को बम से तो नहीं उड़ा दूंगा, हैरी ने कहा, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक काम करते हैं, इसे चिड़ियाघर ले चलते हैं, पेटूनिया आंटी ने धीमे से कहा, और वहाँ इसे कार में बंद कर देंगे। कार नहीं है, हम इसे कार में अकेला नहीं छोड़ सकते, डडली गला फाड़ कर रोने लगा। सच तो यह था कि वह रो नहीं रहा था, उसे सचमुच रोए तो बरसों हो चुके थे, परंतु वह जानता था कि अगर वह मुंह बनाए और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ निकालेगा तो उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी कर देगी। मेरे प्यारे राज दुलारे, रोना नहीं, मम्मी उसे तुम्हारे बर्थडे बर्बाद करने नहीं देगी, वह चीखी और उसे बाहों में भर लिया। मैं नहीं चाहता कि वह हमारे साथ चले, डडली झूठ मूठ की जोरदार सुर्खियों के बीच चीखा। वह हमेशा हर चीज़ गड़बड़ कर देता है, उसने अपनी माँ की बाहों के बीच से झांकते हुए हैरी को चिढ़ाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, वे लोग आ गए, पेटूनिया आंटी हड़बड़ाकर बोली, और एक पल बाद डडली का सबसे अच्छा दोस्त पियर्स पॉलकिस अपनी माँ के साथ अंदर आ गया। पियर्स एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पियर्स ही उनके हाथ पीछे पकड़ कर रखता था। डडली ने रोने का नाटक तत्काल बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर डडली की कार में पियर्स और डडली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा था। जिंदगी में पहली बार चिड़ियाघर जा रहा था। उसकी आंटी और अंकल को यह समझ नहीं आया कि उसका क्या किया जाए, परंतु चलने से पहले वॉर्नन अंकल हैरी को एक तरफ ले गए और बोले, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अपने बड़े जामुनी चेहरे को हैरी के बिल्कुल पास लाकर उन्होंने कहा था, कान खोल कर सुन लो लड़के, कोई भी खुराफात की कोई भी, तो मैं तुम्हें उस अलमारी में क्रिसमस तक बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, हैरी ने कहा कसम से, परंतु वॉर्नन अंकल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई भी नहीं कर सकता था। समस्या यह थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब चीज़ें होती रहती थी, और डर्सली परिवार को यह बताने से कोई फ़ायदा नहीं था कि उसने यह चीज़ नहीं की। एक बार पेटूनिया आंटी देखते देखते तंग आ गई कि हैरी जब कटिंग करवाकर लौटता तो ऐसा लगता था जैसे नाई ने उसके बालों को छुआ ही नहीं हो। गुस्से में उन्होंने किचन से कैंची उठाई और हैरी के बाल इतने छोटे काट दिए कि लगभग गंजा हो गया। उन्होंने सिर्फ सामने ही 2 लटे छोड़ दी ताकि उसका भयानक निशान छुप सके। डडली तो हैरी को देखकर हंसते हंसते लोट पलोट हो गया।
उस रात हैरी को यह सोच सोच कर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वहाँ पर वैसे भी बच्चे उसके ढीले ढीले कपड़े और सेलो टेप लगे चश्मे को देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके बाल उतने ही बड़े हो गए जितने पेटूनिया आंटी के काटने से पहले थे। इस बात के लिए उसे एक सप्ताह तक अलमारी में बंद रहने की सजा दी गई। हालांकि उसने यह समझाने की लाख कोशिश की कि उसे क्या मालूम उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार पेटूनिया आंटी उसे डडली का पुराना बुरा सा दिखने वाला स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी जो बुरा था और उस पर नारंगी फूदने थे। उन्होंने उसके सिर में स्वेटर घुसाने की जितनी कोशिश की वह उतना ही छोटा होता चला गया और अंत में इतना छोटा हो गया कि किसी दस्ताने की तरह हाथ में तो घुस सकता था परंतु हैरी के सिर में नहीं। पेटूनिया आंटी ने सोचा उसके स्वेटर धुलाई में सिकुड़ गया होगा और हैरी को बड़ी राहत मिली कि उसे सजा नहीं मिली। परंतु एक बार वह बहुत परेशानी में पड़ गया जब वह स्कूल के किचन की छत पर पहुंच गया था। डडली का गैंग हर दिन की तरह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था और बाकी लोगों के साथ साथ खुद हैरी भी यह देखकर हैरान रह गया कि वह चिमनी पर बैठा हुआ था। हैरी की प्रिंसिपल ने बहुत गुस्से में डर्सली परिवार को पत्र में लिखा कि हैरी स्कूल की इमारतों पर चढ़ रहा था पर उसने तो सिर्फ कोशिश की थी और उसने अपनी अलमारी के बंद दरवाजे के पीछे से वॉर्नन अंकल को चिल्लाकर यह बात बताई थी कि वह किचन के बाहर रखे बड़े कूड़ेदान के पीछे छलांग लगा दे। हैरी सोच रहा था कि शायद तेज हवा के झोंके ने उसके छलांग के बीच उसमें उसे ऊपर उठा दिया होगा परंतु आज कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। डडली और पियर्स के साथ दिन गुजारना भी बहुत बड़ी बात थी। जब वह जगह स्कूल और अलमारी या पत्ता गोभी की बदबू से भरा मिसेज पिक का ड्राइंग रूम ना हो। गाड़ी चला जाते समय वॉर्नन अंकल पेटूनिया आंटी के सामने सबको कोस रहे थे। कोसना उनका प्रिय शौक था। ऑफिस के लोग हैरी म्यूनसिपैलिटी हैरी बैंक हैरी उनके कुछ प्रिय विषय थे। आज सुबह यह विषय था मोटरसाइकिल। जब एक मोटरसाइकिल वाला उनकी गाड़ी के आगे से निकल गया तो वे बोले, जवान आवारा लोग पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने सपने में एक मोटरसाइकिल देखी थी, हैरी को अचानक याद आया और उसने कहा, वह उड़ रही थी। वॉर्नन अंकल ने आगे वाली कार में लगभग टक्कर मार दी थी। वह अपनी सीट से पीछे मुड़े और हैरी की तरफ देखकर चिल्लाए और उस समय उनका चेहरा मूंछ वाले किसी बड़े चुकंदर की तरह लग रहा था। मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकती, डडली और पियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकती, हैरी ने कहा, यह तो बस एक सपना था। परंतु वह सोच रहा था, काश उसने ये नहीं कहा होता। अगर डर्सली परिवार सवाल पूछने से भी ज़्यादा किसी बात से चिढ़ता था तो ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि कोई चीज़ उस तरह से हो रही थी जिस तरह से उसने नहीं होना चाहिए, चाहे वह सपने में हो या कार्टून में ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि इस समय उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बहुत सुहावना शनिवार होने की वजह से चिड़ियाघर में बहुत से परिवारों की भीड़ थी। डर्सली ने गेट के बाहर डडली और पियर्स को बड़ी बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाई और फिर वे हैरी को जल्दी से वहाँ से हटा पाते। इससे पहले ही वैन में मुस्कुराती हुई महिला ने चूंकि हैरी से पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्हें मन मारकर उसे एक सस्ती से लेमन आइसक्रीम दिलवानी पड़ी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा यह भी बुरी नहीं थी। तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपना सिर खुजा रहा था और डडली से काफ़ी कुछ मिलता जुलता दिख रहा था, सिवाय इसके कि गोरिल्ले के बाल सुनहरे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि डर्सली परिवार से थोड़ी दूरी बनाकर ही चले ताकि डडली और पियर जो लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर होने लगे थे कहीं उसे मारने का अपना प्रिय खेल शुरू नहीं कर दे। उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्तरों में लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़ा करने लगा क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम खत्म हो गई थी। इस पर मॉर्नन अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहले वाली खत्म करने की इजाज़त दी। हैरी ने बाद में सोचा कि उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। लंच के बाद वे लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए। यहाँ ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी। कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियाँ और सांप थे जो लकड़ी और पत्थरों के टुकड़े में फिसल और चढ़ रहे थे। डडली और पियर्स बड़े जहरीले कोबरा और आदमी को चकनाचूर करने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहाँ के सबसे बड़े सांप को जल्दी ही ढूंढ लिया। वह वॉर्नन अंकल की कार के चारों तरफ अपने शरीर को दो बार लपेटकर कार को किसी कचरा पेटी में चकनाचूर कर सकता था परंतु इस वक्त वैसा करने के मूड में नहीं दिख रहा था। सच तो यह था कि वह गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक गड़ाकर खड़ा रहा और सांप की चमकदार भरी कुंडलियों को देखता रहा। इसे उठाओ, अपने पिता से जिल्लाते हुए कहा। वॉर्नन अंकल ने कांच पर ठक ठक की परंतु सांप हिला तक नहीं। एक बार और करो, डडली ने ऑर्डर जमाया। वॉर्नन अंकल ने अपनी उंगलियों के पीछे से इस वाले हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से टोंगा परंतु सांप फिर भी सोता रहा। कितना बोरिंग है, डडली ने आह भरी और पैर पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया और उसने सांप की तरफ उत्सुकता से देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि बेचारा सांप बोरियत के मारे ही मर जाए। साथ में कोई नहीं सिवाय उन मूक लोगों के जो दिन भर उसे तंग करते रहते हैं और कांच पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते थे। यह तो अलमारी के बेडरूम से भी बुरा था जहाँ इकलौते मेहमान पेटूनिया आंटी होती थी जो उसे जगाने के लिए दरवाज़ा बड़बड़ाती थी। कम से कम उसे पूरे घर में घूमने को तो मिलता था। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोली। सांप ने धीरे बहुत धीरे अपना सिर उठाया जब तक कि उसकी आंखें हैरी की आंखों की ऊंचाई तक नहीं आ गई। उसने आंख मारी।
हैरी घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा था, कोई नहीं देख रहा था। उसने सांप की तरफ पलटकर देखा और उसने भी आंख मार दी। सांप ने वर्नन अंकल और डडली की तरफ सर को झटका दिया और अपनी आंख छत की तरफ उठाई। उसने हैरी को इस तरह देखा मानो कह रहा हो, मेरे साथ पूरे समय यही होता है, मैं जानता हूँ। हैरी कांच के इस पार से बुदबुदाया, हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि सांप उसकी आवाज़ को सुन सकता था। इससे सचमुच बहुत चिढ़ छूटती होगी, सांप ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो, हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे साइन बोर्ड पर मारी। हैरी ने इसे पढ़ा, बोवा कंस्ट्रक्ट ब्राज़ील। क्या वहाँ पर अच्छा लगता था, सांप ने एक बार फिर उस साइन बोर्ड पर अपनी पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, यह सांप चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राज़ील में रहे ही नहीं। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी के पीछे से कान फोड़ू आवाज़ आई जिसे सुनकर वह दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर डर्सली, आइए और इस सांप को देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा यह क्या कर रहा है। डडली जितनी तेजी से आ सकता था उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। तुम अलग हटो, उसने हैरी की पसलियों में घुसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरान हैरी कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। आगे जो हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी नहीं देख पाया कि यह कैसे हुआ। एक पल पहले तो पियर्स और डडली कांच के करीब उससे टिककर खड़े थे और दूसरे ही पल दहशत में चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी बैठ गया और हाँफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेजी से अपनी कुंडली खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नागभवन में लोग चीखने लगे और बाहर के दरवाजों की तरफ भागने लगे। जब सांप उसके पास से तेजी से सरसराता हुआ गया तो हैरी कसम खा सकता था कि उसने धीमे से फुफकारते हुए कहा था, ब्राज़ील मैं आ रहा हूँ, शुक्रिया दोस्त। नागभवन का पहरेदार सदमे में था, परंतु कह बार बार कह रहा था, कांच कहाँ गया। चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने अपने हाथ में पेटूनिया आंटी को एक कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और वह लगातार उनसे माफ़ी मांगता रहा। पियर्स और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहाँ तक हैरी ने देखा था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते समय सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक में पटकी थी, परंतु जब वे वर्नन अंकल की कार में वापस लौटे तो डडली ने उन्हें बता रहा था कि किस तरह सांप ने उसके पैर में लगभग काट ही लिया था और पियर्स कसम खा रहा था कि सांप ने उसे दबोचकर मारने की कोशिश की थी। परंतु कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वह थी जो पियर्स ने कही। जब पियर्स इतना शांत हो गया कि कुछ कह सके तो उसने सबके सामने कहा था, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी। वर्नन अंकल ने तब तक इंतजार किया जब तक पियर्स उनके घर से नहीं चला गया और उसके बाद वे हैरी पर जमकर बरसे। वह इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। वह सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी वहीं रहो, कोई खाना नहीं। इतना कहने के बाद वे कुर्सी पर गिर पड़े और पेटूनिया आंटी को भागकर उनके लिए ब्रांडी का एक बड़ा पैग लाना पड़ा। हैरी काफ़ी देर तक अंधेरी अलमारी में पड़ा रहा। वह सोच रहा था काश उसके पास घड़ी होती। वह नहीं जानता था कि कितने बज गए और इसलिए वह यकीन से नहीं कह सकता था कि डर्सली परिवार अभी सो गया होगा या नहीं। जब तक वह सो नहीं जाते तब तक वह किचन में जाकर चोरी से कुछ खाने का खतरा नहीं उठा सकता था। डर्सली परिवार के साथ साथ रहते हुए लगभग 10 साल हो गए थे, जहाँ तक उसे याद था 10 दुख भरे साल। वह तब से यहीं रह रहा था जब वह छोटा सा बच्चा था। उसके माता पिता उस कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे याद नहीं था कि उसके माता पिता की मौत के समय वह भी कार में था। कई बार जब वह अलमारी में लंबे घंटों के दौरान अपनी याददाश्त पर जोर डालता था तो उसे एक अजीब सा दृश्य दिखता था, चकाचौंध करने वाली हरी रोशनी और माथे में बहुत तेज़ दर्द। उसने मान लिया था कि यही एक्सीडेंट होगा, हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरी रोशनी वहाँ कहाँ से आई। उसे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। उसके अंकल आंटी उनके बारे में कभी बात नहीं करते थे और सवार पूछने के बारे में उससे पहले ही मना कर दिया गया था। घर में उनकी एक भी फ़ोटो नहीं थी। जब हैरी छोटा था तो अक्सर सपने देखता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसके यहाँ से दूर ले जाने के लिए ज़रूर आएगा, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। डर्सली परिवार के सिवाय उसका कोई नहीं था, परंतु कई बार उसे ऐसा लगता था कि जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे। वे बड़े अजीब किस्म के अजनबी थे। एक बार जब वह पेटूनिया आंटी और डडली के साथ शॉपिंग करने गया तो बैंगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने उसके सिर की तरफ देखकर सिर झुकाया था। पेटूनिया आंटी ने गुस्सा होकर हैरी से पूछा कि क्या वह उस आदमी को जानता था, और इसके बाद वह बिना कुछ खरीदे ही दुकान से तत्काल बाहर ले आई। सिर से पैर तक हरे कपड़े पहने एक पागल सी दिखने वाली बुढ़िया एक बार बस में उसकी तरफ देखकर खुशी खुशी अपना हाथ हिला रही थी। बहुत लंबा जामुनी कोट पहने एक गंजे आदमी ने तो एक दिन सड़क पर उसके हाथ मिलाया और फिर बिना कुछ कहे चला गया। इन सब लोगों के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता, वे न जाने कहाँ गायब हो जाते थे। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सब जानते थे कि डडली का गैंग डीले डाल वाले पुराने कपड़े और टूटा चश्मा पहनने वाले हैरी पॉटर से नफरत करता था और कोई भी डडली के गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।